मेरा नाम काला। ठीक है जी, अच्छा चल रहा है, बस का काम हो रहा है इनका, ऐसी कोई नहीं है। नहीं, कुछ बुरी हालात ही है, अब थोड़ा काम चल रहा है इनका सही, तो अभी रिकावर जो है चल रही है, पहले बहुत काम था इनका, टेंशन पड़ा हुआ था, इसीलिए अब जो पड़ गए तो बहुत अच्छे से काम चल रहा है। बस स्टैंड में अब 20 साल पहले पुलुक पड़ी थी, आज पड़ी तो बहुत गंद पड़ा था, तो नाली शाली भी अभी नहीं बनी, पानी बहुत आ रहा था, दुकानों के अंदर पानी बढ़ जाता था, इसलिए चलो अब बहुत अच्छा हुआ जो पड़ गई आज। शुक्रिया। मेरा नाम सराफुद्दीन है, मैं यहाँ बस स्टैंड में शॉप करता हूँ, और यहाँ पे जो है पिछले 10 साल से कोई मैग्नीमाइज नहीं हो रहा था, अब यहाँ पे मैग्नीमाइज हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे काम हुए हैं, तकरीबन जो पहले यहाँ पे सिस्टम था गंद ये का ढेर लगा रहता था, और यहाँ पे सफाई का कोई खास ख्याल नहीं रखा जाता था, अब जो है साफ सफाई भी होगी, और यहाँ पे बड़े बड़े खड्डे पड़े हुए थे, उन खड्डों को भरा गया है, लुक जो है बहुत अच्छी पड़ी हुई है इस बार। अभी हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो है एक कूड़ादान लगाया जाए, यहाँ पे जो गंद डाला जाता है उसको कहीं पे दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, तो जाके लोग जो परेशानी है उस परेशानी का सामना ना कर रहा। देखिए आप इस बस स्टैंड की जितनी बुरी हालात इस बस स्टैंड की थी, इतनी कहीं पूरे डिस्ट्रिक्ट में कहीं गंदी हालात थी, लगभग 15 दिन से हमारा यहाँ काम चल रहा है, 15 दिन से लगातार गंदी गंद खत्म भी, एक तो म्यूनसिपलिटी से हमारी गुजारिश है कि जो ये कैंपिंग करते हैं बस स्टैंड में, काइंडली इस पर आप कैंपिंग ना करें, जितनी मेहनत इस पर हमारी लगी है, डिपार्टमेंट का आप देख लें, एक्जीन SC सुपरवाइजर हर एक बंदा 3 दिन से रेगुलर यहाँ पर, और हमारी भी बुरी हालात हुई यहाँ पर इस काम में, बाकी रहा आप मटेरियल आपके सामने, आजकल वो जमाना नहीं रहा, आजकल कॉन्ट्रैक्ट की डिफेक्ट लगे 3-3 साल का, हम कोशिश करते हैं कि एक ही बार जो काम हो एक ही बार हो, ताकि कल परसों 6 महीने के बाद कहीं घटा पड़ता है तो कौन मशीनरी लाता रहेगा, इतना उससे डबल खर्चा हो जाता, तो हम कोशिश करते हैं 1 टाइम ही जो काम हो एक टाइम हो, ताकि 2-4 साल हमें बार बार इसकी पैचिंग ना करनी पड़े, तो बाकी रहा हम लोगों से भी गुजारिश करते हैं खास करके ट्रांसपोर्टर से कि आप काइंडली यहाँ पे इस बस स्टैंड को जितना हमें अच्छा बना के दिया इनको इतना इसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें, कचरा ना डालें यहाँ में, और दुकानदारों से गुजारिश है कि जो पानी सारा जो भी नावे लगाए आता है किसमें रोड में, तो वो कम से कम वो भी एहतियात करें, ये इन लोगों की चीज़ें हैं ना, हमने काम करके हमने कल चले जाना, डिपार्टमेंट ने काम करना, रोज़ रोज़ इतना प्रोजेक्ट ना खर्चा कोई करता है तो ना इतना पैसा मिलता है, इसलिए दुकानदारों से हमारी गुजारिश है, आम लोगों से गुजारिश है कि कम से कम ये चीज़ अपनी चीज़ समझ के इसको इस्तेमाल करें, बाकी रहा ये है कि आप पूरा देख रहे हैं चारों तरफ से ब्लैकमेलिंग, थोड़े बहुत ही ब्लैकमेलिंग तो है ही है, 100% आप किसी को सर्टिफाई नहीं कर सकते, हर आदमी को कुछ कहता कोई कुछ है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम एज ए प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्टर जो है हम अपना काम कर रहे हैं।